हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अचारी मूली की सब्जी की रेसिपी। आप इसे बना करके फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। अचारी मूली की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मूली ली हुई है। मूली थोड़े से मोटे साइज की ही लें सब्जी बनाने के लिए। और अब हम क्या करेंगे, मूली का जो हेड एंड टेल पार्ट है उसे कट करके निकाल देंगे और इसके जो रेसे वगैरह हैं उन्हें भी हटा देंगे। अगर ज़्यादा रेसे हों तो आप इसे पीलर से पील भी कर सकते हैं। और ये देखिए, बीच से इसे हमने मूली को 2 टुकड़े में कट किया। इसके बाद 4-4 टुकड़े में इसे काट करके तैयार कर लेना है। टुकड़े आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें गोल शेप में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी मूली को इस तरह से काट करके तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो 1 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना और 1/4 छोटी चम्मच हमने इसमें अजवाइन ली हुई है। सभी मसालों को हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि इनकी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जब भुन जाएगा तो हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे। ये बनारसी राई है, आप मोटी वाली राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक खलबट्टे में एकदम से दरदरा दरदरा सा कूट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हमने 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है, 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 3 से 4 खड़ी सूखी लाल मिर्च डाली हुई है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये मूली। थोड़ी सी हमने इसमें हींग डाली हुई है, हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, ढक कर के इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 3 मिनट हुए हैं बट अभी हम इसमें पहले नमक डालेंगे, इसके बाद हम मूली को अच्छे से भूनेंगे। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने नमक डाल दिया हुआ है और फिर से हम इसे कवर करेंगे और हमें बिना पानी के ही इसे अच्छे से पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती है। आप देख सकते हैं कि मूली का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो गया है, ये हल्की सी डार्क ब्राउन हो गई है। अब मसाले डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है। और इसके बाद हमने ये जो अचारी मसाला तैयार किया हुआ था अचार वाला, वो डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे आमचूर का पाउडर जो कि इसे अच्छी सी खटास देगा। ये देखिए, सभी मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे कि मसाले का जो फ्लेवर है मूली में अच्छे से आ जाए और जले भी नहीं। तो ये देखिए, मसाले डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमी आँच में अच्छे से पका लेंगे। और बाद में हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया हुआ है। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट अचारी मूली की सब्जी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।